और हमारा नेतृत्वकर्ता छात्र के जो प्रतिनिधि है, कल कार्यालय में उनसे बात किए हैं, उसके समाधान के लिए हम लोग एग्रेसिव है। और शिक्षा विभाग से अभी तो देखिए मंत्रालय विभाग की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय दोनों इस संबंध में कार्यालय में बात किए हैं, और आज वो बात करेंगे, शिक्षा विभाग के सचिव से बात करेंगे। स्पष्ट कह रहे हैं, फिर कहते हैं, आगे भी कहेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं किया जाएगा। कोई भी दमनकारी निर्णय किन्हीं के द्वारा होता है तो मैं विरोध करता हूँ। जो काम गलत है उसको फिर से उसको सही करने का काम हमारे नए कैबिनेट के मित्र सब करेंगे। मुख्यमंत्री जी के निर्देश में कोई भी बड़ा काम होता है बिना मुख्यमंत्री जी के निर्देश से नहीं होता स्वास्थ्य विभाग की बात है, स्वास्थ्य विभाग, उनके पास तो शिक्षा विभाग था नहीं। रिक्तियां की बात करते, मैक्सिमम शिक्षक का हुआ, उनके शिक्षा मंत्री ऑफिस तक नहीं जाते थे। जो इस विभाग के मंत्री ऑफिस तक नहीं जाते हैं, उसका नेता करते कहते कि हम वैकेंसी निकाल लें, तो वो सिर्फ दस्तखत करने के लिए थे, फोटो खिंचाने के लिए थी, इनके अलावा कुछ नहीं किया। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। कि बीपीएससी ट्री टू में सफल अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कुछ दिनों से सड़कों पे है। आपको बता दें कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जो है TRE 1 में जारी किया गया था, लेकिन TRE 2 में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि रिजल्ट जारी नहीं होगी। लेकिन छात्र जो है वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कल चेतावनी दी गई है कि यदि छात्र इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे या कोई आंदोलन करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से विधायक प्रणव कुमार यादव जी हैं। जिस प्रकार से छात्र सड़क पे उतरे हुए हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब यह चेतावनी दी गई है शिक्षा विभाग की तरफ से कि अगर कोई भी छात्र प्रदर्शन करते हैं या आंदोलन करते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। किसी कैसे इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबका मांग करने का अधिकार है, लेकिन कानून सम्मत, कानून को कोई अपने हाथ में नहीं ले, शांतिपूर्ण ढंग से मांग करे। हमारी सरकार है, हम लोग देख रहे हैं, और हमारा नेतृत्वकर्ता छात्र के जो प्रतिनिधि है, कल कार्यालय में उनसे बात किए हैं, उसके समाधान के लिए हम लोग एग्रेसिव है, उनका समाधान हम लोग करेंगे। आखिर ये समस्या क्यों आ रही है? जब TRE 1 में रिजल्ट दिया गया था सप्लीमेंट्री का, तो फिर TRE 2 में क्या प्रॉब्लम हो रही है? शिक्षा विभाग से अभी तो देखिए मंत्रालय विभाग की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय दोनों इस संबंध में कार्यालय में बात किए हैं, और आज वो बात करेंगे, शिक्षा विभाग के सचिव से बात करेंगे, उसको जो भी है सकारात्मक हल निकाला जाएगा। लेकिन आंदोलन करना तो छात्र का काम है, जो भी है देश के नागरिक है, ये लोकतंत्र में अधिकार है। लेकिन अब इस तरह का मत बयान जारी करना, इस तरह का निर्देश दिया जाना कि अगर कोई दबाव बनाते हैं तो उसको एग्जाम में बैठने तक नहीं दिया जाएगा, यानी वंचित कर दिया जाएगा। स्पष्ट कह रहे हैं, फिर कहते हैं, आगे भी कहेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं किया जाएगा। नहीं, छात्र को लेकिन न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा छात्र को, मैं भी छात्र राजनीति से आया हूँ, अपने मांग के लिए मैं भी सड़कों पर आता था, इसलिए उनका हक है, लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत उनका निराकरण निकाला जाएगा। कोई भी दमनकारी निर्णय किन्हीं के द्वारा होता है तो मैं विरोध करता हूँ, और अधिकार है लोगों को सड़क पे आने के लिए, हाँ, लेकिन कानून व्यवस्था के साथ। ALP की जो बहाली है, 5696 सीट ही सिर्फ उसमें दिया गया है, लेकिन 3 लाख से ज़्यादा सीट उसमें रिक्त है, खाली है। इसको लेकर के भी छात्र सड़क पे उतरे हुए हैं। क्या लगता है सरकार को इस पे ध्यान देनी चाहिए ना? देखिए, सरकार के संज्ञान में जैसे जैसे विभाग से रिक्तियां मांगा जा रहा है, सरकार का निर्देश जारी है, और मुझे भी स्पष्ट सूत्रों से पता चला है कि रिक्तियां के लिए विभाग को कहा गया है, जल्द से जल्द विभाग दिया जा रहा है, उनका भी कई विभागों में रिक्तियां आएगी, और बड़े पैमाने पे बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। RGD के जो नेता लोग हैं वो कह रहे हैं कि 17 साल में जितनी NDA या नीतीश कुमार के सहयोग से जो सरकार चली है, जितनी रोजगार नहीं दी है उतना हमने 17 महीनों में दिए हैं। तो श्रेय किनको मानते हैं, नीतीश कुमार की तरफ से था या तेजस्वी यादव की तरफ से था ये जो रोजगार मिला? देखिए,
मुख्यमंत्री जी के निर्देश में कोई भी बड़ा काम होता बिना मुख्यमंत्री जी के निर्देश से नहीं होता है, स्पष्ट है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो है हुआ 17 महीने महागठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी जी कुछ अलग से करना चाहते थे तो एक भी डॉक्टर का नियुक्ति कर देते, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग उनके पास तो शिक्षा विभाग था नहीं, रिक्तियां की बात करते मैक्सिमम शिक्षक का हुआ। उनके शिक्षा मंत्री ऑफिस तक नहीं जाते थे, जो इस विभाग के मंत्री ऑफिस तक नहीं जाते हैं उसका नेता करते कहते कि हम वैकेंसी निकाल लें, अस्पष्ट है। तो वो सिर्फ दस्तखत करने के लिए थे, फोटो खिंचाने के लिए थी, इनके अलावा कुछ नहीं किया। इसे एक कहावत में टिटैया टांग उठाता कहता है कि ये आकाश मेरे ऊपर हो, तेजस्वी जी का हाल टिटैया वाला है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि एक पाठक और पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर प्रसाद, उनके बीच बात नहीं बनती थी, कुछ ना कुछ बात से विवाद हमेशा से बना हुआ रहता था, लेकिन अब जो सरकार बदल गई है, इंडिया की सरकार हो गई है, अब जो शिक्षा मंत्री बनेंगे, क्या लग रहा है के पाठक से उनकी बनेगी जमेगी बात? देखिए, के पाठक जी बेशक बहुत ऐसे अच्छे काम किए हैं, लेकिन उनके बहुत ऐसे कार्यों में सुधार की आवश्यकता है। अभी हम लोग मिल के काम करेंगे, हमारे जो कैबिनेट में हमारे साथी हैं, हमारे वरिष्ठ साथी सब है, उस पर विचार करेंगे। हम लोग ध्यान में लाए हैं जो विसंगतियां हैं उनके साथ बैठ के हम लोग समाधान और अच्छे कार्यों की प्रशंसा करेंगे, और जो काम गलत है उसको फिर से उसको सही करने का काम हमारे नए कैबिनेट के मित्र सब करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि के पाठक में कुछ चीज में सुधार की आवश्यकता है, उनसे जो भी उलझते हैं, चाहे शिक्षा मंत्री उलझे, उनका बदला बदली होगा, तबादला हो गया, डीएम उलझे, उनका यहाँ से तबादला हो गया, क्या लग रहा है बीजेपी के जो बनेंगे वो टक्कर में आएंगे, उनसे उनकी बन पाएगी? देखिए, कोई टक्कर की बात नहीं, बीजेपी में जो आएंगे जो भी शिक्षा मंत्री बनेंगे एनडीए के, तो वो हम लोग सामंजस्य बैठा के बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा बिहार के शिक्षा जगत के लिए हम मिलके काम करेंगे। जो भी शिक्षकों के द्वारा और जो छात्रों के हित के लिए है हम लोग करेंगे, आपसी सामंजस्य के साथ करेंगे, सब पटरी पे लाएंगे। और स्पष्ट है कि हम लोग के साथ तालमेल से सही ढंग से काम करेंगे। कुछ भी संगतियाँ हैं मैं भी मानता हूँ, उसको हम लोग हमारे जो नेतृत्व करता है बैठ के उसको दूर करेंगे। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे प्रणब कुमार यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि छात्र हित में जो भी सही होगा उस पे सरकार ध्यान बनाई हुई है और उस पे ध्यान देंगे। साथ ही साथ इन्होंने लोको पायलट की बात की कि उसमें जो सीट है उस पे भी ध्यान दिए हुए हैं और जितनी भी सीट है उस पे भर्तियां होगी, और वर्तमान में जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र इस पे भी लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।